हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमन आपके लिए टिन फ्रेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी अपडेट भी दूंगी और साथ में पहले जैसे हमने आपको लाइव सेशन मून शाइन भी दिया था, तो हो सकता है कि हम आज या कल में आपको एक लाइव टेलीकास्ट हम जरूर करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर अपना यहाँ पे अपने क्वेश्चन लेके आए और हम लाइव आएंगे, आपको पोस्ट डाल दी जाएगी, आप अपना देख लेना जिनको भी अटेंड करना हो। तो फिलहाल की अपडेट की बात की जाए, जो कि हम 3-4 दिन से किसी टेबल पे हैं, तो हमें जो डिवाइन का पर्पस करना है, ठीक है, जिस पर्पस के लिए हम आए हैं या ट्विन फ्लेम्स बने हैं, वो पर्पस के अकॉर्डिंग हम अपना विजिट करते हैं और आपके सामने लाइव सेशन भी लाएंगे, ठीक है। वो सब आपको लाइव सेशन में बताया जाएगा हम कहाँ पर हैं इस टाइम, और गुड न्यूज़ भी है और एक ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके सामने लेके हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के बिना हम अपना आपको लाइव डाटा नहीं दे सकते। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, बहुत ज़रूरी है आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस। नॉलेज की तो बात अलग है, नॉलेज तो आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस खुद के होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल आपकी अगर मैं आज की अपडेट की बात की जाऊँ, या 2-3 दिन हमने आपको अपडेट नहीं दी, वो थोड़ा विजिट की वजह से नहीं दी थी, और ये था यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल का डेविल अटैक, बहुत बड़ा, जिनके लोगों की यूनियन हुए हो या होने से रोका गया हो किसी वजह से भी, चाहे वो प्लस हो चाहे नेगेटिव हो या माइनस हो, आप देख लेना, वो डेविल अटैक था और एक डिवाइन क्रिएशन थी जिसमें दोनों ही अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। डीएम या डीएफ जिनका यूनियन रोका गया है, उनकी जो ब्लॉकेज थी वो बाहर आउटर निकालनी थी, हिडन थी, जो अभी तक एक आपके एक लास्ट डेस्टिनी का जो एक आपका विश होती है ना, उसकी मेन ब्लॉकेज जो बार बार अड़ रही थी और आप बार बार उसी क्वेश्चन पे पुट करते थे, वो आपकी डीएनए से रिलेटेड भी हो सकती है और एक ऐसी विश भी हो सकती है जो आपके विश थी कि मुझे ये करना है अपने डीएम के लिए या अपने जर्नी के लिए या मुझे पर्पस के लिए, जहाँ जो फंसा था उसी लेवल पे यहाँ पे आपकी क्रिएशन होने जानी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा लंबा पीरियड सेपरेशन का आएगा, डेविल अटैक बहुत ज़बरदस्त वे में है, यूनियन हुआ हो के दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉकेज रिमूव करने बाकी है जहाँ पे आप दोनों फंसे थे। दोनों को अपने अपने लेवल पे अगर नेगेटिविटी फील हो रही थी, वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी, आपको फील होगा कि हम क्या गलती कर रहे थे और ये हुआ, अगर हमारे साथ कुछ नेगेटिव हुआ है तो वो पॉजिटिविटी के लिए हुआ है और आपको एक लेसन के तौर पे अवेकन जंप लाइन करोगे, एक नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे, मतलब एक आपको डेस्टिनी आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही, वो रास्ता डिवाइन ने आपके लिए क्रिएट किया है। डेविल ने आपको नेगेटिव किया है, तो डिवाइन ने आपके लिए क्रिएट करके वो रास्ता क्लियर करने के लिए डेविल का यूज़ किया है। इस टाइम ये डिवाइन क्रिएशन से ही डेविल अटैक हुए हैं, ये छोटा मोटा यूनियन नहीं हुआ, बहुत बड़े लेवल के, बहुत बड़े लेवल के। तो आपको ये समझना होगा कि हम लोग जहाँ फंसे थे हमें वहाँ काम करने का टाइम आ चुका है। शायद थोड़ा दर्द आपको हो सकता है, पेनफुल सिचुएशन रह सकती है, सेपरेशन का दर्द आप बर्दाश्त कर तो लो कर रहे हो, या हिम्मत आपको डिवाइन देगा, जब सामने सच्चाई सामने आएगी तो आप वो चीज़ पेन को भी फील कर पाएंगे। अभी तक जिसको आप बार बार लेट गो कर देते थे, किसी भी तरीके से संभाल लेते थे, इस बार थोड़ा सा संभालना मुश्किल होगा, बहुत पेन होने वाला है, बहुत पेन, क्योंकि आखिरी दरवाजे तक पहुँचे थे, लेकिन आगे के दरवाजे के पीछे क्या है वो देखना बाकी था, जिसके लिए डिवाइन ने आपको दरवाजे पर ही मिलवा दिया है। मिलवाने के बाद दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात मैं कह रही हूँ, ये कैसा डोर है। एस्ट्रल ट्रैवल में भी आपको 3D वर्ल्ड से बाहर आने को कहा जाएगा, क्योंकि आप 3D में जंप आउट करोगे आप वापस नेगेटिव होगे, क्योंकि डेविल आपको 3D में ले जाएंगे, डिवाइन आपको रोकेगा 5D लेवल पे लेके जाएगा। तो आपको अब ये दोनों चीज़ों का आपको समझना है कि हमें वो गलतियाँ नहीं करनी। आपके सामने अगर चैलेंज आ रही तो इसका मकसद यही है कि आपको अलर्ट मैसेज है, डेविल अटैक होंगे, 3D में जाओगे, डिवाइन पे भरोसा रखिए, अगर आप ट्रस्ट नहीं है तो फिर डिवाइन आपको डबल मान मारेगा, इसलिए डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, जर्नी पे ट्रस्ट कीजिए, इनर वर्क कीजिए, जहाँ ब्लॉकेज है उसको एक्सेप्टेंस मोड पे आने की ज़रूरत है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे से लेसन सीखो, आगे बढ़ो। ये बहुत बड़ा जहाँ पे क्रिएशन हुआ है, और ये थोड़ा सा सेपरेशन लंबा जा सकता है, क्योंकि क्या बोलूँ, बहुत ज़बरदस्त मार पड़ने वाली है दोनों को। डीएफ जो अवेकन है, ये उन्होंने अपने पर अच्छे से इनर वर्क किया हुआ, वो स्ट्रांग है तो वो तो झेल जाएंगी, लेकिन जो डीएफ कमज़ोर हैं, जो ट्रस्ट नहीं करती हैं इस जर्नी पे, चाहे डीएफ है या डीएम है, आप यहाँ इतना बड़ा सेपरेशन हो जाएगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो सेपरेशन से बचने के लिए अगर चाहते शॉर्ट टर्म में हो, ट्रस्ट करें, काम करें, ठीक है जी। तो फिलहाल की ये अपडेट,
और जैसे हमें लगेगा कि लाइव टेलीकास्ट का टाइम जो भी आपको दिया जाएगा तो वो देख लेंगे, 1 घंटे का होगा, जिसमें हो सकता है मैं अपने चैनल पे भी डालूं और हो सकता है कि वो मूनशाइन मैडम भी आपके अपने चैनल पे डाल सकती है, वो हमारी चॉइस रहेगी। आपको दोनों जगह ही पोस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो फिलहाल जैसे आपको अपडेट शो करवाएंगे आप अपना टाइम देख लेना, ठीक है जी। तो फिलहाल मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।